भाई यहाँ पे मैं अकेला उतर रहा हूँ, बट ये हैकर पता नहीं कहाँ से आ जाता है भाई। कसम से यार मैं तो जाने वाला हूँ भाई। मतलब यहाँ पे देखो ना यार, यहाँ पे ना ही कोई स्क्वाड उतरी है, फिर भी यहाँ पे हैकर उतर रहा है, ठीक है। और मेरा टीममेट ही पूरा खत्म हो गया भाई। तो और लोंडो क्या चाल, इस वाले गिल्ड वॉर में तुम यहाँ पे देख सकते हो टॉप इंडिया के 3 गिल्ड आ रखी है एंड बाकी अदर गिल्ड भी आ रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट पे है हॉकाई जो कि टॉप 13 में है, रश आर्मी 15 में है इंडिया के, और फ्यूचर एलाइट 16 में है। बाकी बहुत सारी और भी गिल्ड आई है यहाँ पे, एंड अभी इसमें देखने वाले कौन कौन सी जो गिल्ड है हैक यूज़ कर रही है उसका भी पता चलेगा पूरे गेम के अंदर, बने रहिएगा। एंड गाइस यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाता है और मैं डिसाइड करता हूँ कि मार्स इलेक्ट्रिक उतरूंगा अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए, और यहाँ मैं उतर रहा होता हूँ। बट यहाँ पे देखो गाइस हैकर उतर जाता है, अब पता नहीं क्यों यहाँ पे देखो स्क्वाड भी नहीं उतरे बट वो हैकर उतर रहा है, भाई उसकी मर्जी कहीं भी उतरे। यहाँ उतरते भाई वो मुझे मार देता है, सोनिया बना के नॉक कर देता है। एंड गाइस सच में यार हर बंदा हैकर से परेशान हो गया है, गिल्ड वॉर के अंदर काफी सारे हैकर आ रहे हैं, लोग ग्लोरी पुश नहीं कर पा रहे हैं। एंड यहाँ मैं मर जाता हूँ, यहाँ पे देखो गाइस लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पे देखो ट्राई टू किल जो गिल्ड आ रही है, ट्राई टू किल गिल्ड है, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरे टीममेट बचे पड़े हैं, दो बंदे बचे पड़े हैं, और जो हैकर की गिल्ड है देखो ऊपर यूआईडी आती है, आप कॉपी करके चेक कर सकते हो, ठीक है, इस हैकर को भी और उसके गिल्ड लीडर को भी। तो यहाँ पे देखो गाइस ये जो ट्राई टू किल है, यहाँ तुम देख सकते हो एडिट नाम से हैकर है, और ये देखो ट्राई टू किल यहाँ पे देखो 10 नंबर पे अंडमान निकोबार से है, ये जो है ना 22,000 की ग्लोरी की है इसने। एंड यहाँ पे जो मेरा टीममेट होता है, ठीक है, यहाँ पे घायल प्रेमी, ठीक है, अभी ये घायल हो जाएंगे, अभी बीच रस्ते में देखना, दो हमारे घायल भाई को यहाँ पे गन मिल गई है, ठीक है। तो गाइस गन तो मिल चुकी है यहाँ पे भाई को, एंड यहाँ पे भाई थोड़ा और भी लूट करते हैं, बट यहाँ मेरा दूसरा प्लेयर खत्म हो चुका है, हैकर ने उसको भी मार दिया, अब बचा मेरा घायल भाई। तो यहाँ पे घायल भाई जा रहे होते हैं रस्ते में, यहाँ पे देखो लूट वूट कर रहे हैं फुल्ली, और आपने स्टार्टिंग में तो देखा होगा हमारे घायल भाई को कैसे घायल कर दिया था। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एके भी मिल गई है भाई को, एंड यहाँ से जा रहे होते रस्ते में तो तभी यहाँ पे देखो उनको ऊपर हैकर आ जाएगा, एंड यहाँ पे आया हैकर भाई देखो तुरंत सीधा ऊपर उतर के और खत्म कर दिया G18 से, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको रिपोर्ट देते हैं, यहाँ पे टच करने के बाद मैं इसको रिपोर्ट दे देता हूँ भाई, रिपोर्ट मारो भाई नॉक, इसे भी किसी ने नॉक कर दिया, किसी हैकर ने इसको नॉक कर दिया, ठीक है, हैकर ने आके नॉक कर दिया। कौन हैकर है ये देखो गाइस, पैरासूट वाला हैकर, पैरासूट सोनू नाम से, हाँ सोनू एस पैरासूट नाम से, वेरी डेंजरस भाई ये वाला हैकर, काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये जाते ही खत्म करता है। ओ भाई ये भी नॉक, सोनू हैकर भी यहाँ पे नॉक हो गया है, उसको हम रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो गाइस जो सोनू हैकर है, यहाँ पे देखो रश आर्मी, ये जो सोनू है ना भाई और ये हर्ष, देखो भाई दो दो हैकर लेके खिला रहा है, रश आर्मी दो दो हैकर को लेके खिला रहा है, एक तो सोनू है इसमें और कौन है, नहीं सोनू अलग है, हाँ सोनू है, सोनू है और ये रहा मनीष रश, और एक और है रश पावर, ये देखो गाइस रश की पावर देख लो तुम, ठीक है। तो यहाँ पर रश पावर भी है, तो भाई यहाँ पे तुम देख सकते हो जो ये जो गिल्ड है अभी हम चेक करने वाले, क्या ये रश आर्मी की गिल्ड थी जो टॉप इंडिया में जिसकी गिल्ड आ रही है, तो अभी हम चेक करने वाले हैं, ठीक है गाइस। हाँ तो गाइस आपने देखा था ना गेम के अंदर रश मनीष, तो यहाँ देखो गाइस रश आर्मी के गिल्ड में रश मनीष, ठीक है। एंड अभी इसके आईडी हम चेक करने वाले, 69 लेवल यहाँ पे मनीष का, सेम भाई सेम बंडल यहाँ पे तुम देख लो। एंड अभी जो हैकर खेल रहे थे उसको भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टॉप 15 में आ रही है रश आर्मी, लेवल 6 की गिल्ड है इनकी, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो रश 100 के, और वाकई में भाई यहाँ पे इसका चैनल भी है YT रश आर्मी, 125K से अबव सब्सक्राइबर, और इंस्टाग्राम आईडी भी है रश आर्मी, लाइक कर दो। चलो भाई लाइक तुम कर ही देंगे भाई को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम चेक करने वाले यूट्यूब चैनल को रश आर्मी, यहाँ पे देख सकते हो भाई जो इनका चैनल है भाई का रश आर्मी, 1,26,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं भाई के, और कौन सी वीडियो डालते हैं यहाँ पे भाई वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, फ्री फायर की वीडियो डालते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लॉन्ग वीडियो में फ्री फायर की डालते हैं, ओके गाइस। एंड यहाँ पे तुम देख लो फ्री फायर एक मंथ पहले डाली थी, एंड शॉर्ट वीडियो में क्या डालते हैं भाई, हल्क सुपरमैन, मतलब फ्री फायर से दूर दूर तक नाता नहीं है अभी, शायद उन्होंने छोड़ दिया है कम्युनिटी बनना, फ्री फायर की वीडियो डालते थे भाई। बट यार हैक लगा के खेल रहे काफ़ी गलत बात है, यूट्यूबर होके हैक लगा के खेल रहे हो आप, ये बहुत गलत बात है, ठीक है मनीष रश भाई, ठीक है जो भी आप गिल्ड हो। और यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी भी है भाई की, यहाँ पे जाके तुम मैसेज में बात कर सकते हो। और देखो एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम हैकर के साथ खेल रहे हो तुम्हारी आईडी ब्रॉन्ज हो जाएगी, तो हैकर के साथ मत खेलो बिल्कुल भी, अगर आप किसी के साथ भी हो ना तो अगर हैकर के साथ खेल रहे हो मत खेलो भाई, बैन हो जाएगा। तो यहाँ पे 15,000 भाई के फॉलोवर हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं भाई को फॉलो भी कर देता हूँ, मैं मैसेज भी करता हूँ बकायदा कि यार प्लीज़ हैक लगा के मत खेलो, रिप्लाई आता है भाई सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ बहुत लोग कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, वो एक अलग बात है, बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो सर, हेलो हैकर सर, तो भाई का रिप्लाई क्या आता है पता है, भाई का रिप्लाई आता है यस। अब देखो ये नहीं पूछता भाई हैकर नहीं हूँ मैं, ये नहीं हुआ है, सीधा आता है यस, ठीक है। तो वो एक अलग बात है, अभी बढ़ते हैं आगे, ठीक है दूसरी चीज़ों। एंड गाइस अभी चेक करने वाले सेकंड आईडी जो कि सोनू नाम से हैकर वाली थी, ठीक है, उसको हम चेक करने वाले हैं। तो ये रही यूआईडी, यहाँ पे देखो गाइस सोनू रश आर्मी के गिल्ड में, ये देखो सोनू यही था ना भाई जो उड़ उड़ के मार रहा था आसमान में पैराशूट से, तो काफ़ी खतरनाक हैक यूज़ करते हैं भाई, ठीक है, बड़ा महंगा होगा जो भी है जितने पैसों का भी होगा, ठीक है। पूरे टोटली 50 बंदे हैं यहाँ पे गुजरात से भाई की गिल्ड, ठीक है, इंडिया में टॉप 15 पे आ रही है। एंड यहाँ पे देखो
लो सुनो को भाई, उड़ उड़ के मार रहा था ये, ठीक है तुम सबने देखा था। एंड मैं पता नहीं ये क्यों चेक कर रहा हूँ, ठीक है इसे हटाते हैं अभी। एंड अभी चलते हैं अंदर की साइड। तो यहाँ पे देखो गाइज, जो अपन को लेटर देखने को मिलेगा अपने भाई हैं, ठीक है रश आर्मी वाले। एंड अभी करते हैं दूसरे की आईडी चेक, ठीक है जो दूसरा आईडी भी था ना हैकर, उस हैकर को भी चेक कर लेते हैं। तो कहाँ आ गए इसकी यूआईडी, एंड यहाँ पे मैं इसकी आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, एंड गेम के अंदर आ गया। चलो अब इसकी आईडी भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है गाइस। एंड गाइस ये रही इसकी आईडी, एंड यहाँ पे सर्च करते हैं। यहाँ पे देखो माई सेल्फ करके यहाँ पे जो हैकर आया था आपने देखा था ना, जो कि यहाँ पे नॉक होकर स्विच कर रहा था फ्यूचर इलाइट, ठीक है यहाँ पे फ्यूचर इलाइट है जो कि टॉप 16 में आ रहा है। एंड यहाँ पे देखो एफ ई दादा, जो लीडर है इनका एफ ई दादा करके है। एंड यहाँ पे 77 लेवल है, ठीक है भाई का। और यहाँ पे फॉलो इंस्टा आईडी फ्यूचर इलाइट 01, डीएम करो जिसको है, मतलब जिसको ज़रूरत है ना इस चीज़ की वो डीएम करो। लेकिन यहाँ पे भाई ने बोला है कि वो ये काम करना छोड़ देगा, इंस्टाग्राम पे बात हुई थी यहाँ पे फ्यूचर इलाइट से, ठीक है मैंने यहाँ पे उसको फॉलो करके बात किया था। तो भाई ने बोला है कि वो छोड़ देगा अगर मैं उसको सपोर्ट करूँ, उसके फॉलोवर बढ़वा दूँ। तो अगर मैं उसके फॉलोवर बढ़वा देता हूँ तो भाई वो उसको बेचेगा, ठीक है जो उसके पास है ना पावर, तो उस पावर को वो सबको बेचेगा। अब देखो ये रिस्क इंस्टा आईडी, ठीक है यहाँ पे मैं इसको मैसेज करता हूँ, ठीक है हेलो मिस्टर हैकर। हाँ तो गाइस यहाँ पे अभी तक आपने दो देख लिए, एक था हमारा रश आर्मी और एक था ये फ्यूचर इलाइट, ठीक है दो जनों को आपने देख लिया है। अगर ये आपके गिल्ड वॉर में आते हैं तो उनको जाकर मैसेज करो, भाई यार प्लीज़ आ रहा है कि यूज़ करना बंद कर दो, क्यों कर रहे हो यार, हमारा माइनस हो रहा है भाई, हम यूज़ नहीं कर पा रहे, हम नहीं करते हैं, ठीक है हमारे समझ जाओ, ठीक है समझ जाओ बस। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बढ़ते हैं अभी थर्ड हैकर की ओर, जिसका आईडी यहाँ पे अभी मैं कॉपी करने वाला हूँ, जो कि तीसरा हैकर भी था, ठीक है यहाँ पे एक और हैकर था पता नहीं कौन है। तो यहाँ पे मैंने आईडी कॉपी कर ली है इसकी, एंड अभी चलते हैं गेम के अंदर और चेक करने वाले हैं उसकी आईडी कौन है वो हैकर तीसरा। एंड ये रहा ट्राई टू किल, ओके आपने स्टार्टिंग में देखा था ना ट्राई टू किल, जिसने मुझे मारा था एदित नाम इसका, ठीक है एदित। तो यहाँ पे देखो गाइस 14 में आ रहे अपने स्टेट में ही। तो यहाँ पे एम एस धोनी 7, अरे भाई जो उसका आईडी लीडर है आईडी का, यहाँ पे देखो आकाश ब्रो, ओ भाई साहब सी जी एस इसका आईडी चैनल है सी जी एस आकाश ब्रो, ओके चलो ठीक है भाई। अपन अभी देखते हैं यहाँ पे क्या नाम था सी जी एस आकाश, हाँ तो यहाँ पे अभी हम सर्च करते हैं सी जी आकाश ब्रो, ओके तो यहाँ पे कोई चैनल है कि, ओ है भाई है 1.83K सब्सक्राइबर है बंदे के, भाई देख लो भाई ट्राई टू किल जो अंडमान निकोबार से था, ठीक है यहाँ पे वो एंड यहाँ पे वीडियो डालता है क्या, वीडियो डालता है वो, ठीक है शॉर्ट डालता है लौंडा। चलो कोई नहीं यार, देखो मेरे को तो बस मैसेज करना यार, प्लीज़ आप लोग हैक यूज़ मत करो यार, हम परेशान हो रहे हैं भाई, हम परेशान हो रहे हैं इससे तुम्हारे हैक की वजह से। तो इंस्टाग्राम आईडी है इसकी, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ क्या इंस्टाग्राम पे है वो, हाँ भाई देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी पे भी है 640 फॉलोवर है बंदे के, ठीक है एंड इंस्टाग्राम आईडी भी है वो, भाई ग्रैंड मास्टर भी लगा रखी है भाई ने, ठीक है ग्रैंड मास्टर भी, बट ये नहीं पता कि भाई हैक से लगा रखी है फिर नॉर्मली तरीके से लगा रखी है, बट इंस्टाग्राम ग्रैंड मास्टर भी लगा रखी है बंदे ने, ठीक है। तो एंड गाइस यहाँ पे देखो सी जी आकाश, यहाँ पे मैं मैसेज कर देता हूँ एक बंदे को, हेलो मिस्टर हैकर, ठीक है यहाँ मैसेज मैंने इसको डाल दिया है सी जी एस आकाश को, देख लेगा वो, ठीक है। एंड अभी बढ़ते हैं आगे दूसरे हैकर की ओर, कि भाई एक और आया था ना जो कि टॉप इंडिया में आ रहा था 13 में या फिर कितने में आ रहा था, उसको चेक करने वाले हैं। एंड गाइस यहाँ पे रही इसकी आईडी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है इस वाले हैकर की आईडी यहाँ पे मैंने कर ली कॉपी। एंड अभी चलते हैं गेम के अंदर, ठीक है गाइस ये आ गए हम गेम के अंदर और इसकी अभी आईडी चेक करने वाले हैं, कौन था ये हैकर और किसकी गिल्ड थी, ठीक है किसकी गिल्ड में है। तो यहाँ पे देखो गाइस हॉकआई 01 जो कि टॉप 13 में था ना, देखो यहाँ पे चेक करने वाला हूँ टॉप 13, देखो गाइस इंडिया में टॉप 13 पे आ रहा हॉकआई, इंडिया से है और झारखंड है, झारखंड है झारखंड साइड से। एंड यहाँ पे देख लो भाई 60 लेवल की भाई रेड क्रिमिनल है इसके पास, एंड बैच 99 लिख रखा है भाई, है नहीं बट रियल वाला नहीं है फेक वाला है। तो इंस्टाग्राम आईडी है इसकी, मैंने देखा था यहाँ पे बैच 99 करके, तो उसकी ये रही बैच 99 वाली फर्स्ट वाली, 153 फॉलोवर है बंदे के, तो 153 भाई। इसको भी मैंने मैसेज किया था कि भाई यार हैक यूज़ करना बंद कर दो, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें परेशानी हो रही है, क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो, फेयर नहीं रह सकते क्या। मैंने इसको यहाँ पे मैसेज कर दिया, ओए हैक यूज़ करना बंद कर दे। तो देखते हैं अभी क्या रिप्लाई आता है बंदे का, रिप्लाई करेगा वो जो भी है, ठीक है। तो जो भी बंदे हैक यूज़ कर रहे हैं भाई, मैं उनको बस यही कह रहा हूँ प्लीज़ मत करो यार, क्या मिलेगा भाई, वी वैज भी आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो बंदा हैक यूज़ कर रहे हैं उनको गिल्ड को वी वैज भी नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो भाई आपको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा भाई, वी वैज मिलने के बाद आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो फेयर रहो ना यार थोड़ा, ठीक है अपनी स्क्वाड बनाओ, करो किसी से वर्सेज कस्टम करो यार, कस्टम खेलना मेरे चैनल पे आओ, कस्टम करवाता हूँ मैं 1v4 4v4, अगर किसी को भी कस्टम खेलना है तो मेरे चैनल पे आ सकते हो कस्टम खेलने के लिए, आपकी स्क्वाड है मैं आपकी स्क्वाड से वर्सेज ज़रूर करूँगा, ठीक है। ये सब हैक वैक यूज़ करना बंद कर दो यार, हम परेशान होते हैं यार, काफ़ी लोग ऑडियंस गिल्ड वॉर नहीं खेल रही, मेरे खुद के टीम मेट यार गिल्ड वॉर नहीं खेलते डर के मारे यार, हैकर आ रहे गोविंद भाई हम क्या करें, मैं भाई मैं भी क्या करूँ,
मैं अपने ऑडियंस को कभी किक मारता हूँ, कभी बुलाता हूँ, फिर ले लेता हूँ, फिर बुलाता हूँ, फिर खिलाता हूँ, खेल नहीं पाते बेचारे, ग्लोरी नहीं दे पाते भाई यार, बंदे परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ समझो, प्लीज़ मत करो यार, मत करो यार, ठीक है, मत करो प्लीज़, ठीक है। हर कोई परेशान हो रहा है भाई हैकर की वजह से, और वो गेम ही नहीं खेल रहा है, गिल्ड वॉर ही नहीं खेल रहा है, कह रहे गुंद भाई नहीं खेलेंगे। भाई मैं भी छोड़ दूंगा एक दिन, मैं भी परेशान हो गया ना, तो मैं गिल्ड वॉर खेलना छोड़ दूंगा भाई, सच बता रहा हूँ मैं। तो अगर हैकर के साथ खेल रहे हो तो भाई आपका आईडी ब्रोंज हो सकता है। एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ, हैकर के साथ बिल्कुल मत खेलना। अगर आप हैकर के साथ प्ले हो गए हो तो भाई बैक कर दो, अगर हैकर के साथ प्ले हो गए हो बैक कर दो, वो तो ग्लोरी कर ही लेगा गिल्ड की, जिस गिल्ड में वो ग्लोरी कर देगा, बट आपकी आईडी सेफ होनी चाहिए। अगर आप हैकर के साथ खेल रहे हो तो मर जाओ, मर जाओगे ना तो आपको कोई रिपोर्ट नहीं दे सकता, टीमिंग रिपोर्ट। अगर टीमिंग रिपोर्ट पड़ गई और आप पकड़े गए हैकर के साथ, तो गाइस मैं सच बता रहा हूँ आपकी आईडी ब्रॉन्ज हो जाएगी। तो बी सेफ रहें, अच्छे से खेलें, ध्यान रखें अपना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और एक और बात, हैकर के साथ बिल्कुल भी मत खेलो भाई। अगर तुम प्ले हो गए हो ना, इसलिए वो बताता है, अगर हैकर के साथ आप प्ले हो गए हो किसी के गिल्ड में, वो हैकर खेल रहा है उस गिल्ड में, आपको वो ऐड करके स्टार्ट कर दे और आप गलती से प्ले में चले जाते हो, आप बैक कर दो, मत खेलो। देखो गाइज, आईडी तुम्हारी है, आईडी आपका अच्छा लेवल है, आपकी आईडी जाएगी, उसका कुछ नहीं जाएगा, उसकी ब्रॉन्ज छोटी कम लेवल की आईडी है। तो आप इसलिए कह रहा हो कि आप अपना ख्याल रखें और अपनी आईडी का, फेयर गिल्ड में जाओ जो कम लेवल है, कोई बात नहीं है, 6 लेवल है 5 लेवल है, चले जाओ उस गिल्ड में, फेयर तो है कम से कम। तुम थोड़ा भी खेलोगे तो वो बंदा कहेगा ठीक है, छोटे यूट्यूबर के गिल्ड में चले जाओ। ज़रूरी है कि बड़े बड़े यूट्यूबर के गिल्ड में जाना है, बड़े बड़े जो टॉप पे आ रहे हैं उसके गिल्ड में जाना है, वीवीएच गिल्ड में नहीं, मत जाओ भाई, मत जाओ, अब कोई फेयर नहीं रहा है, इसलिए जो बंदे फेयर है उनके गिल्ड में रहो, उनके साथ खेलो। चलो यार, बाय बाय दोस्तों।